खरगुआ वाले। बोली राज बिहारी भगवान की। ए दैया जमालो पत पचास पचास के ले की गठरी धरी होए फूफड़ी पे सुजे उना निकत मौत है। हाँ तब तो कहीं कम खाओ। आप लोगों से नहीं कह रहे, हम आपके स्टाफ अपने स्टाफ से कह रहे हैं। और हमारे विकास भैया जी रूप पर अछलदा से, विकास भैया जी और ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और 100 रुपए हमारे श्रीमान जगत राम बाबा जी नंगला बाग से, ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान उनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनकी हमेशा चरण चूमती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आई चलते हैं कथा प्रसंग पर। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम श्रीमद् भागवत में कीर्तवान आता है। उस कीर्तवान पुत्र को लेकर के वसुदेव जी भोजराज कंस के पास में पहुंचे। भोजराज कंस ने जब उस बच्चे को देखा तो पहले तो भोजराज कंस को बड़ी हंसी आई और हंस के जवाब दिया, वाह वसुदेव जी, आप तो वादे के बड़े पक्के निकले हो, हम तो विश्वास ही नहीं करते थे कि तुम बच्चे को यहां लेके आओगे, क्योंकि पहली संतान माता पिता को बहुत प्रिय होती है। काल की तरफ ले जाने से पहले वो अपने काल के बारे में सोचेंगे। तुम तो बहुत वचन के पक्के निकले हो, ऐसा कह करके लेकिन दया भाव दिखाया भोजराज कंस ने। और दया भाव दिखा करके कहा कंसराज ने, वसुदेव जी आकाशवाणी ने मेरा काल अंतिम संतान को बताया है और ये ठहरी पहली संतान, तुम ऐसा करो से बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, अरे मेरा तो काल अंतिम संतान है, इसे ले जाओ। इतना कह करके वो तो चले गए और तब तक नारद बाबा आ गए। नारद बाबा को बड़ा स्वागत सम्मान तो मिला, लेकिन नारद बाबा बोले, भोजराज कंस, जान लिया
जब चतुर चूकता है तब तीन ठोकरें खाता है। तुम्हारे ही सामने से तुम्हारा काल वापस गया है और तुमने लौटा दिया। भोजराज कंस कहने लगे, गुरुदेव आपकी ये टेढ़ी टेढ़ी बातें हम समझ नहीं पाते हैं, घुमा फिरा के मत बताओ, सीधे सीधे बताओ कहना क्या चाहते हो। नारद बाबा कहने लगे, बेटा कंस हम ये कहना चाह रहे हैं ये देवतागढ़ बहुत चालाक है। बोले क्यों, तुम जानते हो नारद बाबा ने एक फूल लिया अपने हाथ में पुष्प और कहा कंसराज से पहली पंखुड़ी से गिनना शुरू करना और पहली से गिनोगे आठवीं तक और उसके बाद पहली छोड़ करके दूसरी से गिनना, आठवीं पहले नंबर पर आएगी और पहले आठवें नंबर पर। तुम नहीं जानते हो कि पहला जो पहली संतान है आठवें गर्भ में जा सकती है और आठवीं संतान पहले गर्भ में आ सकती है, क्योंकि देवताओं की चाल कौन जाने। सेकंड हैंड खोपड़ी का भोजराज कंस बुद्धि घूम गई। उसी समय बाबा नारद ने जैसे ही सोचा कि मेरी बात पर मोहर लग गई, बाबा नारद तो चले गए और उधर कंस राज नंगे ही पैरों भागा। भाग करके पहुंचा है देवकी मैया के पास में, जहां मैया काल के गाल से बचकर के जो पुत्र आया था बार बार बलैया ले रही थी, कह रही थी हे यमुना मैया, हे कुल देवता, आपने बहुत कृपा की है जो पापाचारी के हाथों से मेरा पुत्र जीवित लौट आया। इतना कह ही रही थी, बार बार मुख चूम रही थी और तब तक ये चिल्लाता हुआ पहुंच गया और कहने लगा, ए देवकी इस पुत्र को मुझे दे दो। और मैया ने जो ही सुना अपने भाई की आवाज को, अपने बेटे को अपने सीने से चिपटा लिया और कहने लगी, भैया मैं तेरे पाम लागू, तू जो कहेगा मैं करूंगी, तू जैसे मुझे रखेगा मैं रहूंगी, लेकिन ये मेरी पहली संतान है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, इसे मत मारो भैया। आकाशवाणी ने तुम्हारा काल अंतिम संतान बताया था, लेकिन ये तो मेरी पहली संतान है, इसे मत मारो। लेकिन भोजराज कंस एक भी बात नहीं सुनी उसने, देवकी रोती ही रह गई और उनकी गोदी से उस बालक को छीन लिया और उस मैया के ही सामने पत्थर से पटक करके उस बच्चे के प्राण अंत कर दिए। मैया रोती भी लगती ही रह गई, उस भाई का कुछ न बिगाड़ सकी। परमात्मा से यही विनय करती है कि भगवान अब तो तू ही रखवाला है, संसार में जब पाप छा जाता है तो परमात्मा के अलावा कोई हनन नहीं कर पाता। देवकी वसुदेव अपने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से विनती कर रहे हैं। भोजराज कंस बच्चे को मारने के बाद अपने राज सिंहासन पर पहुंचा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, देवकी का एक ही पुत्र नहीं, इसी तरीके से देवकी के भोजराज कंस ने 6 पुत्र मार डाले। जब 6 पुत्र मार डाले, 7वें संतान का जब नंबर आया, उस समय विष्णु भगवान शेष जी के पास में पहुंचे। शेष जी से कहा, भैया, बोले हाँ, तुम ऐसा करो, अब की बार इस कृष्णा अवतार में बड़े बन के जाओ। शेष जी कहने लगे, ये क्या कह रहे हो, हम बड़े बन के जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर हमें शासन जताना पड़ेगा, क्योंकि बड़े का अधिकार होता है छोटे को ललकारना, और उस कृष्णा अवतार में हम तो आपके पुजारी हैं, भला हम आपको आदेश कैसे दे सकते हैं, ये हमसे नहीं होगा, आप ही जाओ। भगवान कहने लगे, याद करो रामा अवतार में जब मैंने सीता जी को वनवास दिया था, तुमसे कहा था कि सीता जी को तपस्वियों की कुटिया में छोड़ के आओ,
वही खाता है। इसी बीच में ये छोटा भाई कल्पित ये माल्यार्पण कर मान सम्मान कर रहे हैं। इसी बीच में उपेंद्र स्टूडियो करहल गांव नगला जगन के रहने वाले जो यशपाल भैया जी के साड़ू के छोटे भाई उपेंद्र यादव माल्यार्पण कर मान सम्मान कर रहे हैं और 21-21 रुपए से हमारे सभी स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान उनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनकी हमेशा चरण चूमती रहे। परीक्षित एक एक माला से सम्मानित कर रहे हैं महाराज परीक्षित के लिए और दो लोग बैठे हैं पति पत्नी जो परीक्षित महाराज बने हैं दोनों लोगों के लिए एक एक माल्या से सम्मानित कर रहे हैं और यज्ञपति महाराज और यज्ञ पत्नी कौन बने हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। यशपाल भैया जी और उनकी धर्म पत्नी और शिवपाल भैया जी उनकी भी धर्म पत्नी कहाँ हैं? जल्दी जल्दी निकल आओ, नोटन की माला है रुपयन वाले। और 21-21 रुपए से कलश वाली बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली बहनें भी इनका सम्मान हो जाए तो बाहर निकल आना। बोली राजश्री हरि भगवान की। और ये छोटे भाई नितिन यादव सनोप श्री अशोक यादव ग्राम रोरिया से एक टीन डालडा जो भागवत में दे रहे हैं और माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनकी हमेशा चरण चूमती रहे और भगवान से कहेंगे इनके हाथ यों ही दान के लिए बढ़ते रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कह रहे हैं कोई साथ ना दिए राम नाम बोल ले करो कबहू कबहू ना बोल पाओ तो जयकारो बोल दो ताई में जय करते हो तो ठीक है हा? लेकिन हा? बताया है अरे पिल्ली रंग सुभाऊ ना बदले ग्राम खरगुआ से ये पुनः 100 रुपए का 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और पहले बोल के गए थे दीदी दोला ने आला सुना दे सोई अब चले जा नहीं सुना पाई तो 100 रुपए अब दे।
सुखा जाने इसी बीच में ये पुनः सम्मान कर रहे हैं सम्माननीय जगत राम बाबा जी नंगला बाग से ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान उनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनकी हमेशा चरण चूमती रहे, यही भगवान से कामना करती हूँ। आइए श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, आज कलश वाली बहने बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाया करो, दोबारा ना बोलना पड़े। इधर में श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, विष्णु भगवान शेष जी से कहने लगे भैया रामा अवतार में आपको बहुत बुरा लगा था जब सीता जी को वनवास दिया गया था, आपने मन में विचार किया था कि हे मैया अगर मैं बड़ा होता तो राम जी से कह देता कि जानकी जी वन में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, छोटे होने के नाते अपने भाई पर अधिकार भी तो नहीं जमा सकता। राम जी वही बात अपने हृदय में रखे हुए
विष्णु भगवान कहने लगे, हे शेष जी, मुझे वो बात आज तक याद है। तुम्हारे मन में बड़े बनने की आकांक्षा जागृत हुई थी, आज इस कृष्णा अवतार में आप बड़े बन के जाओ, मैं छोटा बन के आऊंगा। मेरे भैया, आज विष्णु भगवान के समझाने पर शेष जी सातवें गर्भ में पहुंचे हैं। कुछ समय तो देवकी के यहाँ रहे, उसके बाद योग माया के इशारे से योग माया ने उस सातवें गर्भ को नंद बाबा के भवन में, जहाँ रोहिणी रहती थी, उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। मथुरा वासियों ने जब देखा है देवकी को, तो विचार किया कि देवकी का यह सातवां गर्भ खंडित हो गया। अब नंबर आया आठवें गर्भ का। किसी ने नहीं जाना कि सातवां गर्भ कहाँ है। भगवान की महिमा बड़ी अपार है। आठवें गर्भ का जब नंबर आया, भोजराज कंस ने देवकी बसदेव को उस महल से निकाल करके बंदी गृह में डाल दिया। बड़े बड़े अजगर ताले डाल दिए, डबल पहरेदार लगा दिए, ताकि किसी भी प्रकार से इस संतान को छुपा ना पाए। इसी बीच में हमारे यशपाल भैया जी, शिवपाल भैया जी की मामी जी ग्राम खसुआ से ये माल्या अर्पण कर मान सम्मान कर रही हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे, यही भगवान से कामना करती हूँ। इसी बीच में सुशांक भैया जी खरगुआ से, इनकी